खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है, इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा है, इदारा रहे बरे। मैं प्रधानमंत्री से सिर्फ एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात किए, वो उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है, मगर क्या प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि उनके इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से देश में 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चले गई, क्या इसके वो जिम्मेदार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान्ड और 4 घंटे का टाइम देने की वजह से 150 से ज्यादा माइग्रेंट लेबर्स की मौत हुई है, क्या इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री ने अपने अनप्लान्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन की वजह से जो ट्रेन की सर्विस शुरू हुई थी उसमें 55 से ज्यादा सिर्फ 15 दिन में माइग्रेंट लेबर्स मारे गए, 10 करोड़ के ऊपर नौकरियां चली गई, कौन सी सेवा की आप बात कर रहे हैं? आज करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री सेवा की बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन को 4 घंटे के बजाय अगर 8 दिन का टाइम देते, 10 दिन का टाइम देते तो यकीनन इतनी तबाही और बर्बादी नहीं होती, मगर प्रधानमंत्री की वजह से उन्होंने देश को एक खिलौना दे दिया कि थाली बजाओ, लाइट बंद करो, जबकि देश को तैयारी करनी चाहिए थी। आज कोविड की वजह से 18 हजार लोग भारत में, उनकी मौत हो चुकी है, प्रधानमंत्री को इस बारे में जवाब देना चाहिए। अगर आज वो सेवा की बात कर रहे हैं तो सर फिर आपका फैसला गलत था, आपका लॉकडाउन के लिए 4 घंटे और लॉकडाउन लिफ्ट करने के लिए 4 दिन, ये आपकी अनप्लान्ड पॉलिसी की वजह से आज भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और नौकरियां जा चुकी हैं और गरीबी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यार।